ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं टू द पॉइंट बातें बताऊंगी और गाइड करूंगी और आपको बताऊंगी आगे आपको क्या करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको 100% मैं जो बोलूँ वो फॉलो नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि ये कंडीशंस हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो किसका होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा डिसीजन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। हे ऑल, दिस इज़ फलक नारंग स्टडिंग MBBS एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो देखो, सबसे पहले तो मार्क्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ये डिसीजन को लेके क्या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 500 600 वाला भी ड्रॉप लेता है कितनी बार, और 400 वाला 300 वाला भी ड्रॉप नहीं लेता है। डिपेंड करता है तुम लोगों को, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी स्ट्रीम कैसी है, तो तुम अपने मार्क्स को डिसाइड करके ड्रॉप नहीं डिसाइड करोगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ है जिसको आप डिसाइड करके, जिसको कंडीशन में रख के आप ड्रॉप लेने वाले हो, ठीक है। आपके मार्क्स कितना है, 5, 4, 3, 2 कितने भी 100 आए हैं, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो, उस पर रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 400 भी अच्छे हैं, 300 भी अच्छे हैं, जो भी थे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब हो गया, वो बात ख़त्म हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि क्या आपकी एग्ज़ाम जो गई है, क्या आपने उसमें प्रिपरेशन के टाइम पर अपना बेस्ट दिया था। 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल आपने प्रिपरेशन करी, क्या आपने अपना बेस्ट दिया था? अगर हाँ तो अच्छी बात है। क्या एग्ज़ाम के टाइम पे या एग्ज़ाम से पहले आपकी ऐसी कोई गलती हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, या आप उस गलती को सुधार सकते हो, ये भी आपको कंडीशन में रखना है। अगर हाँ तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको पता है कि क्या गलती हुई थी और आपको पता है कि नेक्स्ट प्रिपरेशन में आप सुधार सकते हो कि नहीं, तो ही ड्रॉप लो। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं थी, आपने अपना बेस्ट दिया था प्रिपरेशन करने में और आप कुछ गलती नहीं थी तो सुधार सकते भी नहीं, क्या ही सुधारोगे, तो ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो सिमिलर या उससे कम मार्क्स है, अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा तो पिछले वाले को आपको मायने रखते हुए आगे बढ़ना है। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या आप में एनर्जी है एक और साल ड्रॉप लेने की, तो अगर हो सकता हो आपसे तो ही लो। अगर दूसरे जो दो कंडीशन है कि आपको गलती पता है और आपने सही कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्रॉप ले लो, एक साल और आप कर पाओगे। अभी एक वीक तो हो गया है, आपका रेस्ट हो गया, चाहो तो एक वीक और रेस्ट ले लो, उसके बाद कंटिन्यू प्रिपरेशन चालू कर दो एक साल अच्छे से। इजीली आपके 100 to 200 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन और अभी आपके कितने मार्क्स आए हैं उस पर। तो करोगे मेहनत तो होगा, अभी पिछले साल जैसा अगर सिमिलर इस साल करोगे तो फिर इस साल भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं, वो एक साल वेस्ट हुआ। इन द लॉन्ग रन ये एक ड्रॉप गिनाया नहीं जाएगा, अगर आप अपना बेस्ट दे के कॉलेज चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपके अभी 200-300 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको MBBS का कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी ड्रॉप ले लिया और फिर आगे प्रिपरेशन की, तो हो सकता है आपके 500-600 अब भी आ सकते हैं, बहुत लोगों के आते हैं। 100 मार्क्स तो बहुत लोगों के बढ़ते हैं और 200 मार्क्स भी काफ़ी लोगों के बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इतने इंक्रीज कर पाओगे तो आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। कहाँ से, नॉन MBBS से आप MBBS बन सकते हो, तो वो इम्पोर्टेंस देगा वो एक ही साल, वो लॉन्ग रन में फिर ये एक साल काउंट नहीं होगा, आपकी वो डिग्री चेंज हो जाएगी। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर कि आप अभी MBBS करो कि नहीं करो, वो आप पे डिसाइड करता है कि आपको करना है कि नहीं। अगर आपको नहीं करना, इट्स फाइन, आप दूसरे कोर्सेज ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप सर्च करो अपने हिसाब से, आपको जो सही रहता है, जो सही लगता है कि मेरे को ये इंटरेस्टिंग है, आप वो वाला कोर्स करो। इट्स नॉट कंपलसरी कि MBBS करना ही करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको करना ही है MBBS तो ही ड्रॉप लेना, अदरवाइज उस ये भी एक कंडीशन है। अगर आपको नहीं करना और फिर ड्रॉप लेने के लिए किसी और को या किसी और के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है करने का, तो दूसरे स्ट्रीम आप कर सकते हो। अगर MBBS करना है और ड्रॉप लेना है तो अभी से, या फिर चाहो तो एक हफ्ते बाद से प्रिपरेशन चालू कर दो, और अच्छे से करना। इस बार कमिटमेंट के साथ प्रिपरेशन करनी है, इस बार पिछली बार की तरह हमें गलती नहीं करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर वो गलती सही नहीं हुई तो सेम टू सेम रिजल्ट रहेगा, फिर वापस रिग्रेट होगा, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।